आजकल आप बहुत जगह से सुन रहे होंगे, इंक्लूडिंग आवर चैनल, कि दावेंजी रिजोल्व दुनिया का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर कलर ग्रेडिंग के लिए। अब आपने दावेंजी रिजोल्व नाम तो सुन लिया, बट अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हो या फिर ये सॉफ्टवेयर आपके लिए नया है, तो आप समझ नहीं पाते होंगे ये दावेंजी रिजोल्व एक्चुअल में है क्या, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कौन सा पीसी इसके लिए सही रहेगा, ये सॉफ्टवेयर किस चीज में बाकी सॉफ्टवेयर से अच्छा है और किन चीजों में बाकी सॉफ्टवेयर से नीचा है, मतलब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये सॉफ्टवेयर फ्री है या पेड है, पेड है तो कितने का है, और अगर फ्री में चाहिए तो ऑफिशियल तरीके कौन से हैं पेड वर्जन को फ्री में लेने के और अनऑफिशियल तरीके कौन से हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये सारी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रहे ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है कि दावेंजी रिजोल्व सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, इसमें क्या क्या काम करना है, नहीं, ये उसके बारे में बेसिक डिटेल्स हैं कि सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, कितनी प्राइस का है और कैसे स्पेसिफिकेशन का पीसी चाहिए। एवरीथिंग अबाउट दावेंजी रिजोल्व इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज दावेंजी रिजोल्व, सॉफ्टवेयर है क्या। देखो दावेंजी रिजोल्व ब्लैक मैजिक कंपनी का सॉफ्टवेयर है। ब्लैक मैजिक सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाती है, ब्लैक मैजिक एक्चुअली में एक हार्डवेयर कंपनी है जो कैमरास बनाती है, कंट्रोलर बनाती है, ऑडियो पैनल्स बनाती है, वीडियो एडिटिंग या वीडियो ग्रेडिंग के लिए पैनल्स बनाती है और भी बहुत सारे उनके गैजेट्स आते हैं। और दावेंजी रिजोल्व से सिर्फ हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट ही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, इवन दावेंजी रिजोल्व से जो पहली फिल्म ग्रेड एंड एडिट हुई थी वो थी अवेटार, जो 2009 में आई थी, ये पहली फिल्म थी। इसके अलावा बहुत सारी फिल्में जैसे डेडपूल 2, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, लारा लैंड, किंग्समैन द गोल्डन सर्कल, ऐसी और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो दावेंजी रिजोल्व सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट एंड ग्रेड हुई थी। कुछ शोज भी हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स एंड मॉडर्न फैमिली, जिनको एमी अवार्ड तक मिला है। तो दावेंजी रिजोल्व कोई बेसिक सॉफ्टवेयर नहीं है, आप समझ सकते हो कि दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो भी इसके अंदर एडिट हुए हैं। ये हमारी किस्मत है कि हम उस जनरेशन में, उस युग में हैं जिसके अंदर हमें टॉप हॉलीवुड वाला एडिटर हमें यूज करने के लिए मिल रहा है, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में या फिर ऑलमोस्ट फ्री। अब जब आज फ्री की करी दी है तो हम ये जान लेते हैं कि क्या ये सॉफ्टवेयर फ्री है या फिर पेड है। देखो वैसे तो ये सॉफ्टवेयर पेड है जिसकी कॉस्ट है लगभग 28,000, बट इसके 90% फीचर्स है वो फ्री में मिलते हैं। अब कौन से फीचर्स फ्री में मिलते हैं, कौन से पेड मिलते हैं, इसके लिए हमने ये वाला वीडियो बनाया है, आप जाके देख लेना। इसमें हमने डिटेल से बताया कि आपको दावेंजी रिजोल्व फ्री वाला लेना चाहिए या पेड वाला लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ही ऐसे इफेक्ट्स या ट्रांजिशन या फिर कुछ चीजें हैं जो कि पेड वर्जन में ज्यादा है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। इवन कलर ग्रेडिंग के टूल्स में तो कोई खास डिफरेंस है ही नहीं। तो अगर आप एक नॉर्मल एडिटर हो, आप अगर फिल्म एडिट नहीं करते या फिर ज्यादा हाई एंड बजट का काम नहीं करते, तो मेरे ख्याल से आपके लिए फ्री वाला भी काफी रहेगा। बाकी अगर आपको पेड लेना है तो आप पेड भी ले सकते हो। पेड वाला वर्जन फ्री में कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको एंड में बताने वाला। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में कि पीसी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए दावेंची रिजोल्व की, किस लेवल के पीसी के अंदर दावेंची रिजोल्व पे काम किया जा सकता। देखो वैसे तो जिस पीसी में प्रीमियर प्रो चल जाता है उसके अंदर दावेंची रिजोल्व भी चल जाएगा, बट फिर भी अगर सॉफ्टवेयर को चलाने की बात है तो आप i3 वाले में इंस्टॉल कर दो, बट अगर हमने चलाना है उसके अंदर पीसी के अंदर तो इसका मतलब हमें उसमें काम भी करना है। तो ऐसा कौन सी स्पेसिफिकेशन होंगी जिसके दावेंची रिजोल्व रन हो जाएगा। तो अगर हम विंडोज की बात करें तो कम से कम हमारे 16 GB रैम होनी चाहिए, क्योंकि 11-12 GB रैम दावेंची रिजोल्व अकेला काम में ले लेता है। अगर हम क्रोम वगैरह कुछ और ओपन रखेंगे तो 16 GB रैम कम से कम होनी चाहिए। वहीं पे मैक के अंदर रैम आप 8 GB के अंदर भी मैनेज कर सकते हो, हालांकि मैं रिकमेंड यही करूंगा कि 16 GB रखो, क्योंकि फ्यूजन जो टेप आती है जिसके अंदर VFX और बाकी बड़े इफेक्ट्स होते हैं उसके अंदर विंडोज के अंदर 32 GB रैम चाहिए और मैक के अंदर 16 GB रैम कम से कम चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम दोनों के अंदर 16 GB रैम तो होनी ही चाहिए, बाकी अगर विंडोज में 32 GB रैम होती है तो ज्यादा बेहतर है अगर आप फ्यूजन वाला वर्क ज्यादा करते हैं। अगर हम बात करें ग्राफिक कार्ड की तो कम से कम 4 GB का ग्राफिक कार्ड मैं रिकमेंड करूंगा, हालांकि मैक के अंदर जो भी ग्राफिक कार्ड आते हैं उनके सबके अंदर दावेंजी रिजोल्व यूज होता है अच्छे से, बट अगर आपको फुल HD एडिटिंग करनी है स्मूथ तरीके से बिना ज्यादा लेग के तो आप 4 GB का ग्राफिक कार्ड कम से कम यूज करो। बाकी अगर आपके पास 2 GB वाला ग्राफिक कार्ड है जो NVIDIA GTX 730 वाला आता है, जो लगभग 3500 रुपए वाला आता है, तो उसके अंदर भी दावेंजी रिजोल्व चल जाता है, आराम से आप HD एडिटिंग कर भी सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा स्लो होगा। और अगर आपका प्रोफेशनल वर्क है, अगर आप काम करते हो क्लाइंट्स के लिए, तो ये बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 4 GB ग्राफिक कार्ड हो, 16 GB रैम मिनिमम हो और 4 GB ग्राफिक कार्ड मिनिमम। उसके अलावा बाकी आप जो भी प्रोसेसर है, प्रोसेसर अगर मैं मानूं तो i5 प्रोसेसर मिनिमम मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे। रीजन भी है,
i3 में अगर इंस्टॉल भी हो गया ना तो आप कुछ खास काम नहीं कर पाओगे, तो i5 मिनिमम होना चाहिए। जनरेशन चाहे आप सेकेंड ही ले लो पर i5 प्रोसेसर होना चाहिए। और मैक के अंदर जो इतने भी मैक अवेलेबल है उनके अंदर ऑलमोस्ट सबके अंदर ही चल जाता है, तो मैक के अंदर प्रोसेसर में इतना इश्यू नहीं है। अगर इंटेल वाले मैक है तो i5 सही है, और अगर M1 चिप वाले हैं तो इसके कोई भी वर्जन हो जाए वो इंस्टॉल हो जाता है M1 चिप के किसी भी मैक में। तो मैंने पीसी स्पेक्स बताते टाइम ये भी बताया था कि फ्यूजन के लिए आपको 32 GB रैम चाहिए विंडोज में और मैक में 16 GB रैम चाहिए। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि फ्यूजन क्या है, तो देखो अब हम बात करते हैं कि डाविंची रिजोल्व क्या क्या करता है। तो फ्यूजन उसी का एक पार्ट है। कैसे? डाविंची रिजोल्व के अंदर आप जो नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करते हो वो तो कर ही सकते हो जो प्रीमियर वगैरह में करते हो, उसके अलावा आप फ्यूजन एक टैब आती है जिसके अंदर VFX वाले जो वर्क होते हैं, जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं, हेवी VFX जो होते हैं, वो ऑलमोस्ट हर काम आप फ्यूजन टैब में कर सकते हो इन डाविंची रिजोल्व। आपको कोई और सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह जैसा कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आप फ्यूजन के अंदर ये सब कुछ कर पाओगे। उसके अलावा एक आता है फेयर लाइट पेज जिसके अंदर ऑडियो का जितना भी काम होता है जो अडोब ऑडिशन के अंदर होता है वो भी सारा काम आप फेयर लाइट पेज के अंदर इन डाविंची रिजोल्व कर पाओगे। तो आपको इसके लिए भी अडोब ऑडिशन या कोई और सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है डाविंची रिजोल्व, वो है कलर ग्रेडिंग। तो डाविंची रिजोल्व के अंदर बहुत प्रोफेशनल टूल्स हैं कलर ग्रेडिंग के लिए। कलर ग्रेडिंग ही वो रीजन है जो डाविंची रिजोल्व को सबसे बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाता है। और सिर्फ कलर ग्रेडिंग ही नहीं, इसकी एडिटिंग देख लो, कलर ग्रेडिंग देख लो, फ्यूजन देख लो या फिर फेयर लाइट पेज देख लो, कोई भी पेज इंडस्ट्री के जितने भी बेस्ट सॉफ्टवेयर है ना उनमें से किसी से कुछ खास कम नहीं। अगर ये बाकी सॉफ्टवेयर से इतना ही अच्छा है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई कमी नहीं होगी, हमें सिर्फ ये शिफ्ट कर लेना चाहिए। नहीं, इसी पे हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे कि इसके अंदर प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। देखो प्रोज की बात करूं तो सबसे पहली बात तो इसके 90% फीचर फ्री है, तो सबसे पहला प्रो तो इसका ही है। और पेड भी है तो सिर्फ 1x 28,000 प्रीमियर की तरह इंस्टॉलमेंट या फिर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है इसका। इसका दूसरा सबसे बड़ा फीचर मुझे लगता है वो है क्लाउड वर्क। एक्चुअली में अगर आपने डाविंची रिजोल्व का पेड वर्जन लिया है तो आपको क्लाउड पे $5 अलग से देके क्लाउड का एक पैकेज मिलता है जिसके थ्रू आपके पास यहाँ पे आपने डाविंची रिजोल्व इंस्टॉल कर रखा है, आप कहीं और कहीं बैठ के किसी भी दूसरे शहर में जाके आप साथ में काम कर सकते हो दोनों जने। क्लाउड का काम इतना अच्छा है कि वहां पे अगर वो एक टेक्स्ट डालेगा तो वो लाइव यहाँ वाले पीसी पे रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि उसने वहां पे सेव करेगा तब आपके, वो जो जो काम करेगा वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। ये सबसे अच्छा फीचर लगता है मुझे लगता है उन लोगों के लिए जो फ्रीलांसिंग करते हैं, अलग अलग जगह पे काम करते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं, व्लॉगर वगैरह जो भी हैं, तो ये मुझे सबसे अच्छा फीचर लगता है। तो चौथा सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है कि डाविंची रिजोल्व को अगर आपको फ्री में लेना है तो डाविंची रिजोल्व का कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो उसके साथ फ्री में मिल जाता है। ऐसा दुनिया के किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं होता कि आपको प्रोडक्ट लो और उसके साथ सॉफ्टवेयर फ्री आता है। बट ब्लैक मैजिक डिजाइन का जो भी कैमरा, कीबोर्ड, कोई भी इक्विपमेंट आप परचेज करते हो तो उसके साथ आपको एक डाविंची रिजोल्व का लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फिफ्थ प्रो पॉइंट की बात करें तो वो है फास्ट, रिलायबल एंड लेस क्रैशेस। एक्चुअली में डाविंची रिजोल्व इसलिए भी इस लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि प्रीमियर प्रो बहुत ज्यादा क्रेश होता है, उसके क्रेशेस की आपके मीम्स में आपने देखे होंगे, हर कोई बोलता है यार मेरा सॉफ्टवेयर बीच में से क्रेश हो गया, ये हो गया, मेरा प्रोजेक्ट टूट गया, वो गया। डाविंची रिजोल्व एक तो लाइफ सेव करता है, अगर आपने एक सेकंड पहले भी कोई काम किया तो वो भी आपका लूज नहीं होगा अगर प्रोजेक्ट क्रेश भी हो गया तो। और अगर क्रेश की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बहुत कम क्रेश होता है, शायद किसी प्रोजेक्ट के एंड में जाके कभी कभार क्रेश हो जाए, बाकी आपके 90% ऑफ द टाइम आपको क्रेश दिखने को ही नहीं मिलेंगे जो कि प्रीमियर प्रो में बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंटली है। आप एक प्रोजेक्ट में 10 से 20 बार क्रेश किए बिना तो काम कर ही नहीं सकते, बट डाविंची रिजोल्व के साथ वो इशू नहीं है। और अगर फास्ट की बात करूं तो डाविंची रिजोल्व के अंदर जब आप रेंडर वगैरह करते हो तो प्रीमियर प्रो में रेंडर होने वाले टाइम से डाविंची रिजोल्व कम टाइम लेता है, तो ये इस मुकाबले फास्ट। सिक्स्थ एंड फाइनल प्रो पॉइंट की बात करूं तो वो है कलर ग्रेडिंग। डाविंची रिजोल्व जैसी कलर ग्रेडिंग किसी सॉफ्टवेयर में नहीं है, आप दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके देख लो इतने टूल्स किसी में नहीं मिलेंगे आप, चाहे वो प्राइमरीज हो, चाहे वो पावर ग्रेड्स हो, स्टिल्स हो, चाहे मैजिक मास्क हो, कलर ग्रेडिंग के अंदर सारी चीजें जितनी भी हैं वो हर एक चीज इनसेन है। आपको अगर थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया, वो आप यहाँ जाके देख सकते हो, आपको पता लगेगा कि डाविंची रिजोल्व के अंदर कौन से फीचर ज्यादा अच्छे। अब जब मैंने इतनी तारीफ कर दी तो क्या इसके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई कमी नहीं है? ऐसा नहीं है, कुछ कमियां तो इसके अंदर भी है। सबसे पहली कमी है रिसोर्सेज की कमी। देखो अगर आप प्रीमियर प्रो आज इंस्टॉल करते हो तो आपको उसका कोई भी इफेक्ट चाहिए, कोई टाइटल चाहिए, कोई ट्रांजिशन चाहिए, तो आप सीधा गूगल पे जाके लिखो, आपको मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि फ्री में ही सब कुछ मिल जाएगा, और पेड में तो अथा पड़े। बट डाविंची रिजोल्व के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आपको उसका कोई टेक्स्ट चाहिए, कोई इफेक्ट चाहिए, कोई ट्रांजिशन चाहिए, आपको वो ना तो फ्री में बहुत इजीली मिलेगी और पेड में भी कुछ खास आसानी से नहीं मिलेगी। अगर आप पेड में देखते हो इन्वाटो या मोशन
पे डिफरेंस अगर आप देखते हो तो दाविंची रिजोल्व का बाकी सॉफ्टवेयरों के मुकाबले 10% भी इफेक्ट्स ट्रांजिशन वगैरह अवेलेबल नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी कमी यही है जो कि रिसोर्सेज के रिगार्डिंग ही है लगभग, कि दाविंची रिजोल्व के ट्यूटोरियल्स बहुत कम है। अगर आप हिंदी में ट्यूटोरियल्स देखने जाओगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई क्रैश हो रहा है प्रोजेक्ट या कोई सेव नहीं हो रहा, कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो अगर आप उसको यूट्यूब पे सर्च करोगे तो हिंदी में कोई चांस ही नहीं है कि उसका कोई ट्यूटोरियल मिल जाए, और इंग्लिश में भी बहुत कम है। इस वजह से जब आप दाविंची रिजोल्व सीखते हो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि आप एक बेस्ट एडिटर आपको सिखा नहीं रहता है। दुनिया के जितने भी बेस्ट चैनल्स हैं वो सारे इंग्लिश में हैं, और जो इंग्लिश वाले हैं वो भी बहुत सारे लोग दाविंची रिजोल्व पे ध्यान नहीं दे रहे, वो प्रीमियर और वेब सीरीज पे टिके हैं। तो इस वजह से आपको ज्यादा दिक्कत आती है दाविंची रिजोल्व। तो मेरे ख्याल से दो ही कमियां हैं जो दाविंची रिजोल्व के अंदर, अगर ये कमियां आपके लिए कमियां नहीं है तो आप दाविंची रिजोल्व आज से स्टार्ट। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप कैसे स्टार्ट करना है? दाविंची रिजोल्व को लेने के लिए आपको जाना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पर आपको सर्च करना है दाविंची रिजोल्व डाउनलोड। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडियो वर्जन आपको पेड मिलेगा जो कि लगभग 28,000 रुपए कॉस्ट करता है। अगर आपको स्टूडियो वर्जन फ्री में चाहिए, आप जाके दाविंची रिजोल्व कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कोई कैमरा वगैरह कुछ भी, तो उसके साथ आपको फ्री में मिल जाएगा। अब बात करते हैं जुगाड़ कैसे कर सकते हैं, पेड वाला वर्जन फ्री में कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको जुगाड़ डाउनलोड करना है तो वहां से मिनिमल फी देके, क्योंकि उस वेबसाइट की थोड़ी सी कॉस्ट है, तो मिनिमल फी देके 100-200 रुपए आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, वहां जाके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद में आपको एक वीडियो मिलेगा, जिस वीडियो के अंदर समझाएंगे आपको कि कैसे आपको इस सॉफ्टवेयर को फ्री में इंस्टॉल करना है। और साथ में एक पीडीएफ मिलेगी, जिस पीडीएफ के अंदर लिंक मिलेगी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने, क्योंकि लीगल नहीं है तो हम सीधा लिंक अवेलेबल आपको नहीं करवा सकते। तो ये तरीका थोड़ा सा इसका घुमा फिरा। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए, और ट्यूटोरियल्स मेरे बहुत सारे अवेलेबल है दाविंची रिजोल्व के बारे में, जिनसे आप दाविंची रिजोल्व सीख सकते हो। बाकी मेरा दाविंची रिजोल्व का कोर्स भी आने वाला है बहुत जल्द, तो आप चैनल पर बने रहिए। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।